मुझसे वक्त बिताने के लिए ना बात किया कर। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। बोलता नहीं, बताता नहीं, कहता नहीं, समझाता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे दिक्कत नहीं होती। रात के 2 बजे हों या सुबह के 5, जब भी तुम्हें जरूरत हुई, जब भी तुम अकेले हुई, जब तुम्हें परेशानी हुई, रात को तुम्हारा सपना टूटा, सुबह तुम्हें बताना हुआ, घर में लड़ाई हुई, छोटे भाई की पिटाई हुई, हर महीने उन 4 दिनों तुम्हारा पेट दर्द हुआ, मैं अपना दर्द छुपा कर तुम्हें संभाला, तुम एक अच्छा मर्द हुआ, ये कैसी बात हुई? और अब तुम्हारा मन भर गया, तुम्हारा वक्त निकल गया, मैं तुम्हें समझ गया, तुम्हारी समझने की बारी आई तो मैं बुरा बन गया। अब मुझ में गलती दिखने लगी, अब रात को 2-2 बजे मैसेज किसी और को लिखने लगी। वाह, कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझसे मन भर गया, उसका तुमसे भर जाएगा, तब आएगा समझ कि कोई कितना करता था तुम्हारे लिए। रात को 10 बजे मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन सोता नहीं था, तुम्हारी बातें सुनता था कि ना जाने किस परेशानी में होगी तुम, अभी कुछ कर नहीं सकता, तसल्ली तो दे सकता हूँ ना, जब साथ मांगोगी साथ दे दूंगा, लेकिन तुमने तो किसी और का हाथ पकड़ लिया। वक्त काट लिया अपना और मेरा काट दिया। चलो कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, अपना ध्यान रखना, ओके बाय। एक लड़के का मेरे पास ऐसा मैसेज आया, तो मैंने ये सब सुना और मेरे मन में एक बात आई जो मैं बोलना चाहता हूँ उसकी तरफ से। वो खुश है पर शायद हमसे नहीं, वो नाराज है पर शायद हमसे नहीं, कौन कहता है उसके दिल में मोहब्बत नहीं? मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं।